क्रिकेट खेलने को लेकर माता पिता की धोनी से बड़ी अपील, क्या संन्यास पर माता पिता की इच्छा पूरी करेंगे माही? वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर खत्म होने के साथ ही पूर्व कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी की संन्यास की चर्चा शुरू हो गई थी। हर कोई अपने अपने हिसाब से धोनी के संन्यास को लेकर अलग अलग अटकले और कयास लगाने लगे। ये खबर भी सामने आई कि बीसीसीआई भी धोनी को जबरन संन्यास देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि धोनी ने अभी इस बाबत कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इन सब के बीच धोनी के माता पिता ने भी उनके संन्यास को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धोनी के बचपन के कोच रहे केशव बनर्जी ने दावा किया है कि माही के माता पिता नहीं चाहते कि वो टीम इंडिया के लिए और खेले। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बनर्जी 15 जुलाई को रांची में धोनी के घर गए थे, जहां उनके माता पिता पान सिंह और देवकी देवी ने धोनी के रिटायरमेंट की इच्छा जताई। बनर्जी के मुताबिक धोनी के माता पिता ने मुझसे कहा कि पूरा मीडिया धोनी के रिटायरमेंट की बात कर रहा है, हमें भी लगता है कि यही सही होगा। हमने बहुत दिन तक इस दबाव को झेला है और अब नहीं होगा। मैंने कहा कि एक साल और सही, अच्छा होता कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाते, लेकिन वो बोले ना बाबा ना। हालांकि धोनी के फैंस उनसे अभी संन्यास नहीं लेने की गुहार लगा रहे हैं। मशहूर गायिका लता मंगेशकर भी धोनी से संन्यास के बारे में अभी नहीं सोचने की अपील कर चुकी हैं, लेकिन धोनी के माता पिता की राय लता दीदी और उनके फैंस से इतर है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि संन्यास को लेकर माही अपने माता पिता की इच्छा कैसे पूरी करते हैं, करते भी हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।